हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों। हाई तो बहुत छोटा, लेकिन अगर आप किसी से अगर पूछोगे दोस्तों, तो उस क्वेश्चन में जाके जो है सो वो क्या हो जाता है, फंस जाता है दोस्तों। देखिए, जैसे मैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आप किसी से पूछोगे दोस्तों कि मान के चलिए आप जैसे अगर पूछोगे कि उसको सात सौ इकहत्तर में डिवाइड करने के लिए, देखिए आप उसको क्या कहोगे दोस्तों कि सात से सात सौ इकहत्तर में आपको डिवाइड करना है, लेकिन आप याद रखिए कि आपको दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो वो किस प्रकार डिवाइड करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर पूछिएगा तो लगा देगा आपको सात एक अंक सात कैंसिल, फिर सात उतारेगा तो यहाँ पे सात एक अंक सात आ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और एक यहाँ पे आके वो क्या कर देगा, आपको शेष छोड़ देगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार जो है सो वो क्या करेंगे, बनाएंगे दोस्तों, लेकिन देखिए इसका क्या हो गया, आपको रॉन्ग हो गया। अगर किसी से अगर इस प्रकार आप पूछोगे तो, जैसे हम सात से सात सौ इकहत्तर पूछे, हो सकता है कोई पूछेगा चार सौ इकतालीस, है ना दोस्तों, पाँच से पाँच सौ इक्यावन, है ना, छः से छः सौ इकसठ, इस प्रकार जो है सो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसको अगर आप बोलोगे दोस्तों कि आपका जो है सो इस प्रकार बनाना है, लेकिन आप याद रखिए कि वो आपको दशमलव में नहीं लाना है, तो वो इस प्रकार बनाया क्या कर देगा दोस्तों, छोड़ देगा। तो बताइए ये सही है। भाग कब सही होता है दोस्तों, जब आप भागफल को और भाजक को गुणा करोगे और शेषफल जोड़ोगे, तो अगर इतना करने के बाद अगर आ गया आपको भाज्य, मतलब ये भाज्य अगर आ गया तो आपका भाग सही है, नहीं तो आपका भाग क्या है दोस्तों, गलत है। तो अभी मैं गुणा करूंगा तो 11 सत्तर 77 आया, कितना हो जाएगा 78 होगा दोस्तों, तो मेरा भाग क्या है, गलत है दोस्तों। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ पे जो हम एक उतारे तो यहाँ पे एक शेष नहीं देंगे, बल्कि इसमें हमको जो है सो जीरो जो है सो लगाना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक जो है सो क्या देंगे, शेष देंगे दोस्तों। तो अब देखिए, अब कीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 1177, मतलब कितना हो जाएगा 770, एक जोड़ेंगे तो 771 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे वो गलती कर देता है, केवल एक दे के शेष छोड़ देता है, लेकिन वहाँ पे जो है सो जीरो लगाना क्या हो जाता है इसमें दोस्तों, अनिवार्य। बहुत छोटा है दोस्तों, लेकिन अगर कभी कभी अगर किसी से आप पूछोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि ऐसी कौन ऐसी संख्या है दोस्तों, जो एक से दस अंकों तक की संख्या से विभाज्य हो जाती है दोस्तों। बहुत ही अजीब जो है सो सवाल है दोस्तों, अजीब तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप किसी से पूछोगे दोस्तों तो उसको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और वो कभी सोचेगा तो जल्दी सोच नहीं पाएगा दोस्तों। आप ही बताइए दोस्तों कि कौन ऐसी संख्या है जो एक से दस अंकों तक की संख्या से क्या है, आपको विभाज्य है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या है जिस जो है आपको कितना, तो 2520 दोस्तों, एक ऐसी संख्या आपको 2520 दोस्तों, एक ऐसी संख्या है आपको जो एक से लेके दस तक अंकों की संख्या से क्या है, ये विभाज्य है। ये एक से भी करता है, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, पाँच से भी, छः से भी, सात से भी, आठ से भी, नौ से भी, और दस से भी करता है दोस्तों। यही एक संख्या है जो एक से लेके दस अंकों तक की संख्या से क्या है दोस्तों, विभाज्य है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, एक ऐसा जादू दिखाऊंगा दोस्तों, जो आप लोगों को देख के जो है सो बहुत आश्चर्य लगेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी संख्या में अगर आप दो से गुना करोगे और गुना करने के बाद छः उसमें जोड़ोगे और उसमें दो से आप डिवाइड करोगे, जो संख्या आपको प्राप्त होगा ना दोस्तों, और जो संख्या आप लिए थे उस संख्या से घटाओगे तो आपको तीन का तीन ही प्राप्त होगा दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान के चलिए दोस्तों एक संख्या में चार ले लिया, इसमें आप दो से गुना कर दीजिए तो चार दुना कितना हो जाएगा, आप आठ, इसमें छः जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आठ छः कितना, चौदह हो जाएगा, और इसमें आपको दो से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो दो सत्य कितना, चौदह, तो कितना निकल गया दोस्तों, सात निकल गया ना। आप जो संख्या लिए थे उसको आप घटा दीजिए, देखिए दोस्तों आपको क्या निकलेगा, तीन निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा दोस्तों, तीन निकलेगा। आप कोई भी संख्या आप ले सकते हो दोस्तों, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार करोगे दोस्तों तो आपको तीन ही निकलेगा दोस्तों। देखिए कितना अमेजिंग है, आप एक बार और देख लीजिए दोस्तों, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए दोस्तों मैं यहां पर फाइव ले लिया, अगर फाइव अगर आप लोगे तो फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पांच गुना दस, इसमें छः जोड़ोगे तो कितना, दस छः कितना, सोलह हो जाएगा, और इसमें टू से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और जो संख्या लिए थे उसको आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तीन के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों, कोई भी संख्या आप लोगे और इस प्रकार करोगे तो आपको दोस्तों तीन का तीन ही निकलेगा। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो नीचे कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।